तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल इनिशियल वेलोसिटी जीरो से एच डिस्टेंस फ्री फॉल करने के बाद पॉइंट ओ पर एक इंक्लाइन प्लेन से इलास्टिक कोलिजन करता है, उसके बाद बॉल अगेन इंक्लाइन प्लेन पर ही पॉइंट पी को स्ट्राइक करता है, और हमें यह प्रूव करना है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज ओपी इज इक्वल टू 8h sin अल्फा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले वाले मेथड में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और दूसरे वाले मेथड में हम रेंज का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। तो आते हैं मेथड नंबर वन पे। तो मेथड वन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी सुटेबल पॉइंट को ओरिजिन मानकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स करना होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ओ है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो से बॉल जब एच डिस्टेंस फ्री फॉल करेगा तो कोलिजन से ठीक पहले बॉल की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम वी मान लें तो वी की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर टू जी एच। ठीक है, अब हमें यह भी मालूम है कि ये कोई प्लेन है, अगर बॉल ऐसे इलास्टिक कोलिजन करता है तो नॉर्मल से ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको यहां पर यूज करते हैं। तो कोलिजन के ठीक बाद मान लेते हैं बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है, तो चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो बॉल की स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, वी के बराबर होगा, और बॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा, दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, और ओपी इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हमें ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये वाला एंगल अगेन अल्फा के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये नॉर्मल है। तो ये वाला जो बॉल ऐसे आया नॉर्मल से बॉल की वेलोसिटी अल्फा एंगल बना रही है, तो कोलिजन के ठीक बाद भी नॉर्मल से बॉल की वेलोसिटी अल्फा एंगल बनाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल को मान लेते हैं वाई एक्सिस और अलोंग द प्लेन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी वेक्टर वाई एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वी साइन अल्फा। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के बराबर है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, तो ये वाला एंगल भी अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो जी का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस अल्फा और अलोंग द प्लेन कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जी साइन अल्फा एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में जी कोस अल्फा है तो पॉजिटिव वाई में माइनस जी कोस अल्फा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल पोजिशन ओ है, फाइनल पोजिशन पी है, तो इसको हमें ओ टू पी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ओ टू पी में दोनों ही पोजिशन पर बॉल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो पर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ पर बॉल एक्स एक्सिस पर है और पॉइंट पी पर भी बॉल एक्स एक्सिस पर है, मतलब ओ से लेकर पी तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो के बराबर है। तो एस हो गया जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज वी कॉस अल्फा इंटू टाइम टेकन, तो यहां से यहां तक जो टाइम है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम बोलेंगे, That is capital T plus half
एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में, ये रहा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, दैट इज कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। नाउ दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू टू वी कॉस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू टू वी बाई जी, ठीक है। मीन्स द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल अल्फा, ठीक है। अब हमें रेंज निकालना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को एक्स डायरेक्शन में यूज करते हैं। अगेन यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग एक्स डायरेक्शन, इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन पी है, ठीक है। तो ओ से पी में जो बॉल है एक्स डायरेक्शन में आर डिस्टेंस मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में v साइन अल्फा के बराबर है, v साइन अल्फा इंटू टी, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, टू वी बाई जी, टू वी बाई जी प्लस हाफ एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, दैट इज फोर वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इंप्लाई दैट आर इज इक्वल टू, ये हो गया टू वी स्क्वायर बाई जी इंटू साइन अल्फा प्लस, यहां टू बचेगा यहां जी बचेगा, तो हो जाएगा अगेन टू वी स्क्वायर बाई जी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट आर इज इक्वल टू फोर वी स्क्वायर बाई जी इंटू साइन अल्फा, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, तो वी की वैल्यू है रूट अंडर टू जी एच, तो यहां पुट करते हैं, ये हो जाएगा फोर बाई जी इंटू टू जी एच इंटू साइन अल्फा, अगेन जी जी कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 8h इंटू साइन अल्फा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेथड नंबर टू पे, तो मेथड नंबर टू में हमें डायरेक्टली रेंज का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, तो फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये जो रेंज का फॉर्मूला है वो अप द इंक्लाइन प्लेन है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। इस फॉर्मूला में ये वाला एंगल बीटा है और प्रोजेक्टाइल को यू से अगर थ्रो किया गया है तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, हमें इस फॉर्मूले को सही ढंग से यूज करना भी जानना होगा, ठीक है। तो उसी बात को हमें यहां समझना है कि इसको सही ढंग से हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो बीटा है वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो भी हमने हॉरिजॉन्टल से अबव द हॉरिजॉन्टल मेजर किया है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, तो हमारे सवाल में तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हॉरिजॉन्टल से वी और इंक्लाइन प्लेन का एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो इसको जरा देखते हैं, ये वी है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, ठीक है। तो सबसे पहले बीटा में निकालना है, तो इस फॉर्मूले में जो बीटा है वो क्या है, तो बीटा वो एंगल है जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा था। हम देख रहे हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन अल्फा बना रहा है डाउन द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो बीटा होगा वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इंक्लाइन प्लेन है वो एवर द हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो बिलो द हॉरिजॉन्टल है। कितना बिलो द हॉरिजॉन्टल है? अल्फा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस अल्फा के बराबर होगी, ठीक है। और अगेन हमें यहाँ पर जो अल्फा है उसकी वैल्यू भी पुट करना होगा, तो बीटा को हमें रिप्लेस करना है माइनस अल्फा से, और यहाँ पर जो अल्फा है उसको हमें रिप्लेस करना है कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम थीटा अगर बोलते हैं तो अल्फा को हमें थीटा से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये टोटल एंगल 2 अल्फा है, तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 90 माइनस 2 अल्फा, हियर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। और यही थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो बस समझना यह है कि जो अल्फा और बीटा है दोनों एवर द हॉरिजॉन्टल है, बीटा जो है एवर द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, और अल्फा जो है एवर द हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल है। तो हमने क्या किया, वी का एंगल पता किया हॉरिजॉन्टल से जो कि थीटा के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा को हमें थीटा से रिप्लेस करना है, और यहां पर थीटा की वैल्यू आती है 90 माइनस 2 अल्फा, तो हम दोनों वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। नाउ दिस इंप्लाई दैट रेंज इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई जी इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा माइनस माइनस अल्फा, दैट इज 90 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। उसके बाद है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 अल्फा, 90 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, नाउ दिस इंप्लाई दैट आर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई जी इंटू, यह है 90 माइनस अल्फा, दैट इज कॉस अल्फा, दिस इज कॉस 90 माइनस 2 अल्फा, दैट इज साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां से कॉस अल्फा कैंसिल, और यहां से भी एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा। Now this imply that R is equal to 2V square by G into cos alpha into 2 sin alpha cos alpha, ठीक है, ये sin 2 alpha की वैल्यू है, divided by cos square alpha, तो cos square alpha यहां से cancel out हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4V स्क्वायर बाई जी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। एंड फाइनली आर इज इक्वल टू 4G इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2GH, पुट करते हैं इसको, ये हो गया 2GH इंटू साइन अल्फा, एंड अगेन आर इज इक्वल टू जी जी कैंसिल 8H साइन अल्फा, सेम आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें यह समझना है कि ये जो फॉर्मूला है वो अप द इंक्लाइन प्लेन का है, ठीक है, जब प्रोजेक्शन अपवर्ड द इंक्लाइन प्लेन है उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम इस केस में भी या हर एक केस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि हमें अल्फा और बीटा क्या लेना है, ठीक है। थैंक यू।